वेलकम फ्रेंड्स, हमारे टूरिज्म के इस लेक्चर 3 में हम बात करेंगे टूरिस्ट एंड इट्स टाइप्स, यानी टूरिस्ट क्या होता है और वो कितने प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहले टूरिस्ट की डेफिनेशन देखते हैं। एक ऐसा व्यक्ति जो क्या करता हो, किसी भी अपने होम टाउन से किसी भी दूसरी जगह पर जाता हो, एंटरटेनमेंट के लिए जा सकता है, बिजनेस के लिए जा सकता है, कोई और कारण के लिए जा सकता है, कम से कम एक दिन के लिए जाता है और ज़्यादा से ज़्यादा एक साल के लिए वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाता है, तो वो क्या कहलाएगा, टूरिस्ट कहलाएगा। अब टूरिस्ट को मेनली 4 ब्रॉड कैटेगरीज में बांटा गया है। किसके आधार के ऊपर बांटा गया, भाई वो किस ज़रूरत के लिए वहाँ जाते हैं, यानी किस काम के लिए जाते हैं, और उनका, या कह सकते हैं उनका रीज़न क्या है वहाँ जाने का, यानी नीड एंड द रीज़न बिहाइंड ट्रैवलिंग। इन दो चीज़ों के आधार के ऊपर टूरिस्ट को मेनली 4 कैटेगरीज में बांटा गया है। तो सबसे पहली बिजनेस एंड प्रोफेशनल टूरिस्ट, दूसरे नंबर पे ट्रैवलिंग फॉर लेजर एंड हॉलीडे पर्पस, थर्ड टूरिस्ट ट्रैवलिंग टू विजिट फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स, और फोर्थ आते हैं यूथ ट्रैवलर्स। तो एक एक करके अब हम इनको अच्छे से एलेबोरेट करके पढ़ेंगे। सबसे पहले बिजनेस एंड प्रोफेशनल टूरिस्ट। बिजनेस एंड प्रोफेशनल टूरिस्ट को भी आगे कुछ भागों में बांटा गया है। सबसे पहले आता है बिजनेस टूरिस्ट, यानी कि वो टूरिस्ट जो किसके लिए जाते हैं, अपने बिजनेस से रिलेटेड पर्पस के लिए जाते हैं, या कोई कंपनी की मीटिंग हो सकती है, एग्जीबिशन अटेंड करने जा सकते हैं, या कोई अन्य इवेंट हो सकता है जिसके लिए वो जा रहे हों। दूसरे नंबर पर आते हैं एजुकेशनल टूरिस्ट, वो टूरिस्ट जो क्या करते हैं, कुछ भी सीखने के लिए जाते हैं, कोई कोचिंग के लिए जा सकते हैं, शॉर्ट टाइम स्टडी के लिए जा सकते हैं। जैसे मान लो कोई नर्स है, वो नर्स क्या करती है, एक टाउन से दूसरे टाउन में जाती है, किसके लिए जाती है कि कोई इन्फेक्टिस डिजीज़ आई हुई है और वो उसके लिए, उसकी क्या चल रही है, वर्कशॉप चल रही है, वो वहाँ पर सीखने जाती है, तो वो किस में आएगी, एजुकेशनल टूरिस्ट में आएगी। उसके बाद आते हैं इंसेंटिव टूरिस्ट, वो टूरिस्ट जैसे आपने सुना होगा कभी कभी कोई कंपनी क्या करती है, अपने एम्प्लॉयज़ को अपनी सेल बढ़ाने के लिए ऐसे ऑफर दे देती है कि अगर आप इतने प्रोडक्ट बेचोगे तो आपको ये टूर मिलेगा, यहाँ भेजेंगे वहाँ भेजेंगे। तो इस प्रकार का जो टूरिस्ट होता है उसको क्या कहते हैं, इंसेंटिव टूरिस्ट बोलते हैं। यानी वो किसी भी कंपनी के द्वारा दिए हुए रिवॉर्ड के ऊपर जाता है या इंसेंटिव के ऊपर जा सकता है। जैसे एग्जांपल के तौर पर अपन लिख रखा है, किसी भी सेल्स मैन को कंपनी क्या दे देती है, टारगेट दे देती है, वो उस टारगेट को पूरा कर देता है तो क्या करते हैं, वो भेज देती है। जैसे ये बीमा कंपनीज का आप सुनते हैं, बीमा कंपनीज मेनली ऐसा करती है। उसके बाद में आता है हेल्थ और मेडिकल टूरिस्ट। ये हमने पिछला जो लेक्चर था उसके अंदर हमने देखा, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ भी है, टाइप ऑफ टूरिज्म के अंदर हमने मेडिकल टूरिज्म के बारे में बात किया। तो वो टूरिस्ट जो मेडिकल पर्पज़ के लिए या हेल्थ पर्पज़ के लिए कहाँ जाते हैं, दूसरे स्थान पर जाते हैं, उनको क्या कहते हैं, मेडिकल टूरिस्ट बोलते हैं। तो क्या काम हो सकता है, वो ट्रीटमेंट के लिए जा सकते हैं, या क्या करते हैं, कभी कभी डॉक्टर उनको गाइड कर देते हैं कि आपको रिकवरी के लिए कुछ ऐसे स्थान पर जाना चाहिए जहाँ पर प्रदूषण ज़्यादा ना हो, कुछ हिली एरियाज में भेज देते हैं जहाँ पर क्लाइमेट क्या हो, थोड़ी हेल्दी टाइप हो। तो इसका एक उदाहरण, जैसे अपने साउथ अफ्रीका में लोग प्लास्टिक सर्जरी करवाने के लिए काफ़ी देशों से साउथ अफ्रीका के अंदर लोग आते हैं, ये हम उसके अंदर उदाहरण भी डाल सकते हैं। फिर कुछ जैसे अस्थमा के पेशेंट होते हैं, उनको ये गाइड किया जाता है कि वो जाकर हिली एरियाज में रहे जहाँ पर उनको थोड़ा पर्याप्त ऑक्सीजन मिल सके, जहाँ पर प्रदूषण ज़्यादा ना हो, धुआं वगैरह ना हो, तो वो भी हेल्थ एंड मेडिकल टूरिस्ट के अंदर काउंट होंगे। उसके बाद में दूसरे नंबर पर अपना आता है ट्रैवलिंग फॉर लेजर एंड हॉलीडे पर्पज़। इसके अंदर किसके लिए जाते हैं, कोई हॉलीडे के लिए जा सकते हैं, लेजर के लिए जा सकते हैं, इसको भी आगे कुछ ब्रॉड कैटेगरीज में इसको बांटा गया है। सबसे पहले आता है एडवेंचर टूरिस्ट, वो टूरिस्ट जो किसके लिए जाते हैं, एडवेंचरस एक्टिविटीज़ के लिए जाते हैं। जैसे एक्टिविटीज़ हो सकती है, कोई रॉक क्लाइंबिंग में इंटरेस्ट रखता हो, कोई रिवर राफ्टिंग करता हो, कोई बंजी जंपिंग करता हो, कोई स्काई डाइविंग करता हो, इस प्रकार के अलग अलग पर्पज़ के लिए जा सकते हैं। पीछे जो एडवेंचर टूरिस्ट के बारे में जब बताया था पिछली वीडियो के अंदर, उसके अंदर रिवर राफ्टिंग की जगह पर माउंटेन राफ्टिंग बोल दिया गया था, वो आप थोड़ा ध्यान कर लेना। उसके बाद में सेकंड आता है कल्चरल टूरिस्ट, वो टूरिस्ट जो किसके लिए जाते हैं,
उनको शौक होता है अलग अलग तरह की कल्चर देखने का, अलग अलग स्थानों पर फेस्टिवल्स में पार्टिसिपेट करने का। तो उसके लिए जो लोग जाते हैं उनको क्या बोलते हैं हम, कल्चरल टूरिस्ट बोलते हैं। जैसे सैनरोक आर्ट देखने जाते हैं, या कुछ स्थानों के ऊपर क्या होते हैं नेशनल आर्ट फेस्टिवल्स लगते हैं, कुछ गांवों में लगते हैं, कुछ बड़े कस्बों में लगते हैं, या कुछ वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं उनको देखने के लिए जो लोग जाते हैं उनको क्या बोलते हैं हम, कल्चरल टूरिस्ट बोलते हैं। उसके बाद में आता है इको टूरिस्ट, वो टूरिस्ट जो नेचर से लव करते हैं, नेचर के लिए जाते हैं, कुछ सुंदर प्रकृति के नज़ारे देखने का उनको शौक होता है। जैसे कईयों को जैसे सुबह सुबह जल्दी उठकर जो सनराइजिंग देखने का शौक होता है, अपने सनराइजिंग पॉइंट्स भी ऐसे लोग देखने के लिए जाते हैं, या फिर कुछ वैली देखने के लिए जा सकते हैं, कुछ नेशनल पार्क्स जहाँ पर काफ़ी ये पशु पक्षी घूमते रहते हों, ऐसी चीज़ें भी देखने के लिए लोग जाते हैं, तो वो क्या कहलाते हैं, इको टूरिस्ट कहलाते हैं। उसके बाद में आता है लेज़र टूरिस्ट, वो टूरिस्ट जो क्या करते हैं केवल अपने एंटरटेनमेंट के लिए जाते हैं, वो क्या कहलाते हैं, लेज़र टूरिस्ट कहलाते हैं। यानी केवल टाइम पास के लिए जाते हैं, उनको मतलब कोई वहाँ पर विशेष पर्पज़ नहीं होता, यानी कि छुट्टी लेते हैं और स्पेशली इसके लिए जाते हैं कि थोड़ा मनोरंजन हो जाए, माइंड फ्रेश हो जाए, तो वो टूरिस्ट क्या कहलाते हैं, लेज़र टूरिस्ट कहलाते हैं। जैसे कि शिमला के अंदर काफ़ी लोग अपने नॉर्थ इंडिया से जाते हैं, यानी मेनली दिल्ली से, पंजाब से, या हरियाणा, राजस्थान के कुछ भागों से शिमला की तरफ ज़्यादा जाते हैं। उनका जाने का टारगेट होता है कि वो स्नोफॉल देखें, या वहाँ पर अपना थोड़ा टाइम पास करके आए, थोड़ी छुट्टियाँ मना कर आए, ऐसा उनका समर सीज़न में मेनली रहता है। उसके बाद में आता है कुछ लोग गोवा जाते हैं बीच के ऊपर, वहाँ पर थोड़ा रिलैक्सेशन के लिए, तो ये चीज़ें लेजर टूरिस्ट के अंडर आती हैं। उसके बाद में आते हैं रिलीजियस टूरिस्ट, वो टूरिस्ट जो किसके लिए जाते हैं, पिलग्रिमेज यानी तीर्थ यात्रा के लिए जा सकते हैं, या कुछ ऐसे रिलीजियस इंपॉर्टेंस के प्लेसेस के ऊपर जाते हैं जिनका किसी भी धर्म के अंदर इंपॉर्टेंस हो। जैसे मुसलमानों में हज यात्रा, मक्का जाना, मदीना जाना, ये जामा मस्जिद देखने के लिए भी कुछ लोग चले जाते हैं, दूर दूर से आते हैं देखने के लिए, तो इस प्रकार की क्या होता है इनमें है। उसके बाद में हिंदुओं में जैसे वाराणसी जाते हैं, मथुरा जाते हैं, वृंदावन जाते हैं, ये अपने हो सकते हैं, वैष्णो देवी भी लोग काफ़ी जाते हैं इतनी लंबी चढ़ाई करके। उसके बाद में ईसाइयों में वेटिकन सिटी जाते हैं, और ज्यूस में जेरूसलम की उनमें काफ़ी मान्यता है, तो वहाँ पर भी लोग घूमने के लिए जाते हैं। उसके बाद में इसी के अंदर आगे इसके कुछ पार्ट्स और हैं, जैसे कि शॉपिंग टूरिस्ट, वो टूरिस्ट जो किसके लिए जाते हो, शॉपिंग उनका मेन टारगेट होता है, शॉपिंग बड़े बड़े शॉपिंग मॉल्स में जाते हैं, जैसे इलांते कोई चला जाता है, या शॉपिंग सेंटर्स पे जाते हैं, फैक्ट्री शॉप्स पे जाते हैं, या थोक का माल खरीदने जाते हैं। कई लोग आपने सुना होगा जैसे दिल्ली लाल किले के नीचे एक मार्केट लगती है, वहाँ पर भी लोग जाते हैं, या ट्रेड फेयर में काफ़ी लोग जाते हैं। तो ऐसे टूरिस्ट को क्या बोला जाता है, शॉपिंग टूरिस्ट बोलते हैं। उसके बाद में आता है स्पोर्ट्स एंड रिक्रिएशन टूरिस्ट, वो टूरिस्ट जो किसके लिए जाते हैं, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ में भाग लेने के लिए जाते हैं, या उनको देखने के लिए जाते हैं। जैसे वर्ल्ड कप के अंदर पूरा होता है, जब वो भरा रहता है, तो वो टूरिस्ट क्या करते हैं, वो मैच देखने के लिए जाते हैं, केवल खेलते तो नहीं है। तो उसी प्रकार के वो जो टूरिस्ट हैं वो किस में आएंगे, इस टूरिस्ट की कैटेगरी के अंडर आएंगे। या विंबलडन टेनिस चैम्पियनशिप लोग देखने जाते हैं, या कॉमरेड्स मैराथन एक काफ़ी फेमस है ये, उसको देखने के भी लोग जाते हैं। उसके बाद में एसटीआई यानी कि स्पेशल इंटरेस्ट टूरिज्म, या टूरिस्ट वो टूरिस्ट जो अपने कोई पार्टिकुलर स्पेशल इंटरेस्ट के लिए जाते हैं, किसी का इंटरेस्ट बर्ड वॉचिंग हो सकता है, कोई किसी को वो कहीं का खाना बहुत ज़्यादा पसंद है वो उसके लिए जा सकता है, कहीं की शराब बहुत फेमस है उसके लिए जा सकता है, या जैसे एक केप टाउन के अंदर बुक फेयर लगता है काफ़ी उसकी मान्यता है, तो वहाँ पे भी लोग जाते हैं, या किसी भी और पर्पज़ के लिए जा सकते हैं। जो भी ऊपर जो हमने बात की उन कैटेगरीज के अलावा जिसका भी कोई स्पेशल इंटरेस्ट हो, अपने व्यक्तिगत इंटरेस्ट के लिए जो भी कोई इधर उधर जाता है, इसी टूरिज्म पे जाता है, उसको क्या बोलते हैं, एसटीआई यानी स्पेशल इंटरेस्ट टूरिस्ट बोलते हैं। उसके बाद में अपना थर्ड आते हैं जिनको बोलते हैं टूरिस्ट फॉर, जो VFR के लिए जाते हैं, यानी कि VFR मतलब हो गया विजिटिंग फ्रेंड एंड रिलेटिव्स, अपने मित्रों से रिश्तेदारों से मिलने के लिए जाते हैं। उसके लिए वो लोग क्या करते हैं, स्पेशल टाइम निकालते हैं अपने उनके साथ
समय बिताने के लिए उनके पास जाते हैं, उनके साथ रहते हैं। मेनली इनके पीछे का कारण क्या होता है, भी उनके बीच में आपसी रिलेशंस जो हैं वो और मजबूत हों, अगर आपस में मिलते जुलते रहेंगे तो भाईचारा और बढ़ेगा, एक दूसरे को जानेंगे, तो इसके लिए वो क्या करते हैं, मेनली जाते हैं। जैसे कुछ और कारणों में भी होते हैं, जैसे अपने शादियों में रिश्तेदार आते हैं, फनल पे आते हैं, बर्थडे पे आते हैं, तो ये अन्य इन इन कारणों के कारण भी लोग ये टूरिस्ट कहलाएंगे जो जाते हैं। टूरिस्ट ट्रैवलिंग फॉर VFR, विजिटिंग फ्रेंड एंड रिलेटिव्स। और उसके बाद में लास्ट इसकी कैटेगरी है फोर्थ, जिसको हम बोल देंगे यूथ ट्रेवलर्स, यानी युवा वो टूरिस्ट जिनको हम दो आगे ब्रॉड कैटेगरीज में बांटते हैं। सबसे पहले आएगा बैग पैकिंग टूरिस्ट, वो टूरिस्ट जो क्या करते हैं, छोटा सा बैग लेंगे, उसके अंदर बस अपना पिट्ठू बैग टाइप जो केवल टांग लिया और उसके अंदर अपना पूरा लगेज उसका आ जाता है, यानी लिटिल लगेज उनके पास होता है। और ऐसी बजट भी कोई ज़्यादा बड़ा नहीं लेके चलते, वो शॉर्ट बजट, छोटा बजट लेके चलते हैं, ज़्यादा हाई फाई यात्रा नहीं करते, यानी कि प्लेन में जाने के बजाय वो ट्रेन में जाना प्रेफर करते हैं, ट्रेन की बजाय यानी कि हाई फाई शताब्दी जैसे की बजाय वो थोड़ा लोकल ट्रेन में जाएंगे, ताकि इन बजट वो क्या कर सकें, ज़्यादा से ज़्यादा स्थानों पर घूम सकें, ये उनका क्या रहता है, टारगेट रहता है। ये टूरिस्ट जो होते हैं ना, वो अन्य टूरिस्ट से तो मिलते हैं तो उसमें भी बड़े खुश होते हैं। कभी कभी क्या होता है, उनका इरादा होता है कुछ एडवेंचरियस स्पोर्ट्स देखने का, उसके लिए वो क्या करते हैं, चले जाते हैं। उनका शेड्यूल बड़ा फ्लेक्सिबल होता है, यानी कि उनको जल्दबाजी नहीं होती ज़्यादा, अभी ये करना है वो करना है, जल्दी आ जाएंगे 2 दिन में घर आएंगे, ऐसा कुछ नहीं होता, आराम से अपने चलते हैं। इनको बैकपैकर्स टूरिस्ट भी हम बोलते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे लिख सकते हैं यंग टूरिस्ट जो वीकेंड पे जाते हैं, या कुछ स्टूडेंट्स का ग्रुप जो जिन्होंने कोई बस किराए पे कर ली, अपना छोटा थोड़ा बहुत लगेज ले लिया और चल पड़े घूमने, या कोई ट्रेन के द्वारा 8-10 दोस्तों ने प्लान बनाया और चले गए। उसके बाद में आता है गैप ईयर ट्रैवलर्स, वो ट्रैवलर जिनका स्टडी के अंदर क्या हो गया है, गैप लग गया हो, यानी किसी ने +2 किया, उसके बाद ग्रेजुएशन में एडमिशन नहीं लिया, 1 साल का गैप कर लिया, तो वो क्या करते हैं, ट्रैवलिंग पे जाते हैं, तो उनको बोलते हैं गैप ईयर ट्रैवलर्स, जो अलग अलग स्थानों के ऊपर घूमने के लिए जाते हैं। उनका मेन क्या करते हैं, वो ट्रैवल करते हैं, काम करते हैं और अर्निंग भी कर लेते हैं साथ साथ में, ये तीनों काम उनके हो जाते हैं, यानी कि किसी भी स्थान पर घूम भी लेते हैं, वहाँ पर थोड़ा बहुत काम भी करते हैं और साथ साथ में क्या होती है, अर्निंग भी हो जाते हैं। कुछ लोग इसमें अब्रॉड भी चले जाते हैं, और इसके में घूमने के साथ साथ वो क्या होता है, नई नई स्किल सीख जाते हैं, यानी कहीं काम किया, कुछ नई कोई फैक्ट्री में लग गए या कुछ जो भी किया उन्होंने, उससे क्या होता है, उनमें नया एक टैलेंट आ जाता है। और बाहर कोई हम जाएंगे इधर उधर, अपने घर से बाहर निकलेंगे तो सोसाइटी को जानने का मौका भी मिलता है, सोशल नॉर्म्स क्या है सोसाइटी के वो पता लगते हैं, तो ये चीज़ें भी उनको जानने को मिलती है। इनको गैप ईयर ट्रैवलर्स को हम गैपर्स के नाम से भी जानते हैं, यानी जिन्होंने गैप ले रखा हो। तो अब हमने इस पूरी वीडियो में बात की 4 प्रकार के ट्रैवलर्स के बारे में, यानी टूरिस्ट के बारे में। तो अगला जो अपना लेक्चर होगा, फोर्थ लेक्चर, उसके अंदर हम बात करेंगे रिक्रिएशनल लीजर क्या होता है, ये काफ़ी एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, तीनों यूनिवर्सिटीज़ के सिलेबस के अंदर देखा मैंने रिक्रिएशन एंड लेज़र। तो अगली वीडियो में मुलाकात होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।